नसरुल्लागंज में दूध कृषक संघ ने दूध की कीमतों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डीएस तोमर को ज्ञापन दिया। बताया कि दूध उत्पादक में किसानों को हो रहे लगातार घाटे को लेकर आज दुग्ध उत्पादक किसानों ने रैली निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उसमें कहा कि हम दूध उत्पादक किसानों को बढ़ती महंगाई के कारण लगातार घाटे में जा रहे हैं, जिससे कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दूध के रेट बढ़ाकर 100 रुपये लीटर किए जाएं, जिससे कि दूध उत्पादक कृषक को हो रहे घाटे से निजात मिल सके। वहीं दूध उत्पादक किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से शामिल हुए निर्मल यादव, अजब सिंह, रामकृष्ण पवार, जयप्रकाश जाट, विनोद पवार और अन्य लोग शामिल हुए। नसरुल्लागंज से के क्यार न्यूज के लिए चांद मियां की रिपोर्ट। आवेदन देखे और हमारी मांग, और सर एक चीज और, जैसे हमने उसमें समय निश्चित किया है कि जैसे 1 अप्रैल तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। हमने आज जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय को दिया है कि जो हमारे दूध के रेट हैं वो कम से कम 100 रुपये लीटर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो बाजार में बाहर से जो दूध आ रहा है मिलावट वाला, वो बंद होना चाहिए। इसको नजर रखते हुए हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमारा कम से कम 100 रुपये लीटर से कम हमें दूध नहीं पूर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हमारी 1 अप्रैल तक की मांग है कि 1 अप्रैल तक हमारे 100 रुपये दूध होना चाहिए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, दूध बाजार में बंद करेंगे। इस आज ज्ञापन दिया।